Hey riders and soon to be riders, welcome back to our YouTube channel. तो guys आज का vlog होने वाला है sound quality के ऊपर. तो आप जैसा देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक external mic लगाया हुआ है. मैं GoPro की भी audio ले सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं फिर भी एक mic लगा के रखता हूँ क्योंकि इससे sound quality में definitely एक enhancement होती है. तो इसी के लिए मैं आज एक video लेके आया हूँ जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी sound में distortions आ जाती हैं या फिर आपकी sound usable नहीं रहती है मोटो व्लॉगिंग के टाइम पे, तो आप external mic से कैसे अपनी साउंड क्वालिटी को drastically चेंज कर सकते हैं. बस आपको करना कुछ नहीं, आपको एक एक्सटर्नल माइक अपने हेलमेट के अंदर माउंट कर देना है और उसकी जो ऑडियो है वो आपको अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेनी है. तो मैं बताता हूं आपको सारी चीजें आज, कैसे आपको रिकॉर्ड करनी है, कहां पे आपको माइक प्लांट करना है अपने हेलमेट के अंदर, और उसके बाद कैसे आप उसको सॉफ्टवेयर के अंदर सिंक करेंगे, और अगर कोई भी डिस्टॉर्शन या नॉइस आपके माइक में आती है तो उसको आप कैसे ऑडासिटी जैसे सॉफ्टवेयर से साफ भी कर सकते हैं. तो यहां से रिकॉर्ड करने से लेके मैं आपको बताऊंगा एडिटिंग तक, तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. फटाफट से मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पे आपको आपका माइक प्लांट करना है और कौन से ऐप का आपको यूज करना है. तो गाइस GoPro में ऑडियो लेने के लिए आपको GoPro का एक अलग से माइक अडेप्टर लेना पड़ता है जो आपको 4,000 रुपए के आसपास देखने को मिलता है. तो ये काफी महंगी डील यहाँ पे बन जाती है, महंगा सौदा है काफी डेफिनेटली. तो ये जो माइक है ये आप देख रहे हैं ये सिर्फ 400 रुपए का, ये मैंने चांदनी चौक से लिया था. तो अगर आपको चांदनी चौक कैमरा मार्केट के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जरूर से चेकआउट करें वो वीडियो. उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी ऐप का आपको यूज करना है. तो ये वाली ऐप है यहाँ पे डॉल्बी ऑन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली ऐप है. तो इस ऐप का आपको यूज करना है. उसके बाद जैसे ही आप ये ऐप खोल लेंगे तो कुछ इस तरीके से खुल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं. बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपना माइक इसमें प्लग करना है और यहाँ पे आपको ऑन कर देना है. उसके बाद आपको कंटिन्यूसली अपनी फुटेज लेनी है कैमरे में और ऑडियो जो भी आप बोल रहे हैं इसमें रिकॉर्ड होती चली जाएगी. इस ऐप का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये कोई मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये ऐप मैं यूज करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. तो आप इसका पावर ऑफ भी कर देंगे तो भी फोन अच्छे से आपकी ऑडियो को रिकॉर्ड करता रहता है. तो गाइज अभी आप जो साउंड सुन रहे हैं ये आपको GoPro के माइक से आ रही है. तो अभी धीरे चल रहे हैं हम 20 के स्पीड के आसपास, तो अभी भी आपको साउंड यहाँ पे ठीक ठाक आ रही होगी. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये यूजेबल ऑडियो है, ये यूजेबल तो नहीं होती है, काफ़ी कम आवाज़ आती है आपको. आप अपना हेलमेट वाइजर खोल लेंगे तो आपकी साउंड थोड़ी और एनहेंस हो जाएगी, लेकिन आप जैसे कि स्पीड बढ़ाएंगे जैसे कि अभी तो 40 के आसपास भी यहाँ पे अच्छी खासी विंड नॉइज़ आ जाती है, तो ये साउंड आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते. और अब आप जो ये साउंड सुन रहे हैं ये आप सुन रहे हैं एक्सटर्नल माइक से, तो आप देख सकते हैं कि साउंड में कितना अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हो जाता है एक्सटर्नल माइक की वजह से. तो आप चाहे तेज भी चलाएं तो भी वहाँ पे आपकी ऑडियो नहीं कटेगी क्योंकि सारी विंड ब्लास्ट हेलमेट में ब्लॉक हो जाती है और माइक हमने हेलमेट के अंदर लगाया हुआ है, तो विंड नॉइज़ कोई भी इशू यहाँ पे नहीं बनता है. आप इसको बहुत ही अच्छे से साफ़ कर सकते हैं साउंड को अलग से सॉफ्टवेयर में लगा के, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी. तो अब बात करते हैं एडिट कैसे करना है, सिंक कैसे करना है. तो चलिए अब एडिटिंग एंड सिंक पे काम करते हैं. तो गाइज़ अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं आप GoPro के माइक से, और अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो आप सुन रहे हैं इस एक्सटर्नल माइक से. तो ये हमारे पास यहाँ पे हेलमेट है, हेलमेट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास GoPro को अटैच करने के लिए एक माउंट लगाया हुआ है. ये वाला माउंट काफ़ी फेमस चल रहा है आजकल, तो हमने भी यही वाला लिया क्योंकि इसको आपको चिपकाना नहीं पड़ेगा, आप इसको निकाल के दूसरे हेलमेट पे भी लगा सकते हैं. तो कोई वहाँ पे टेम्प्ररी काम है ये एक तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, काफ़ी स्टेबल रहता है, काफ़ी स्टेडी है ये, GoPro नहीं हिलता बिल्कुल भी. तो ये माइक है, ये मैं आपको अभी इसमें बता देता हूँ कि आपको कहाँ पर लगाना है. तो आप जैसे हेलमेट के यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये दो स्ट्रैप्स मिलते हैं आपके हेलमेट को टाई करने के लिए, जिसको आप ऐसे टाई करते हैं. तो बस यहीं पे आपको जगह दी गई है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जगह है, इसमें आप अपने माइक को यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से, अगर आपको वहाँ पर अनईजी लगता है तो आप इसको यहाँ पर भी जगह है यहाँ पर भी लगा सकते हैं. तो अब जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये रहा माइक, ये मैंने माइक ले लिया. अब इसके जो ये क्लिप है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लिप है इसके अंदर, तो इस क्लिप को आपको ऐसे एक्सटेंड करना है और इस खाली जगह में जाके कुछ इस तरीके से इस वाले स्ट्रैप के अंदर इसको आपको क्लिप कर देना है. तो ये क्लिप हो चुका है और अब बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको हेलमेट को जैसे आप नॉर्मली यूज करते हैं इस तरीके से पहन लेना है. तो अभी आप हेलमेट के अंदर से साउंड सुन सकते हैं, इस तरीके की साउंड आती है. मैं कैमरे से कितना भी दूर चला जाऊं कितना भी आगे चला जाऊं तो साउंड इसी तरीके की बिल्कुल आती रहेगी, तो कोई इशू नहीं आएगा बिल्कुल भी. अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको आपको सिंक कैसे करना है सॉफ्टवेयर के अंदर, और फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ अगर इसके अंदर कोई भी डिस्टॉर्शन है तो आप ऑडेसिटी के अंदर से कैसे उसको अच्छे से अपनी साउंड को यूजेबल बना सकते हैं. तो चलिए अब लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर.
पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। तो मैं आई मूवी का यूज़ करता हूँ। तो इस वाली लास्ट वाली क्लिप में हुआ क्या था कि ऑडियो में डिस्टॉर्शंस आ गए थे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली ऑडियो में डिस्टॉर्शंस हैं। तो मैं ये यूज़ नहीं कर सकता बिल्कुल भी, क्योंकि ये माइक्रोफोन की वायर की वजह से डिस्टॉर्शंस आए हैं। तो यहाँ पे अभी मैं यूज़ करूँगा GoPro का ही ऑडियो। तो मैंने सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया ऐसे, और यहाँ पे मैंने इसमें स्प्लिट ऑडियो कर दिया था। तो डिटैच ऑडियो करने के बाद ऑडियो फाइल मुझे नीचे मिल गई। तो आप ये ऑडियो फाइल को कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ से दूसरी जगह पर आएंगे, तो यहां से आप इसे एज ऑडियो फाइल एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो यहां से आप ऑडियो सिलेक्ट करेंगे और इसको MP3 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑडेसिटी में MP3 ही यूज कर सकते हैं आप, और कोई फॉर्मेट है वैसे तो, लेकिन MP3 ही बेस्ट फॉर्मेट है। तो ये मैंने सेव कर दिया इसको, यहां पे हमारी ऑडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो अब ऑडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, ये आ गई यहाँ पे। अब मैं यहाँ से अपना ऑडेसिटी खोल लेता हूँ। अब इसको इसके अंदर आपको ओपन कर देना है, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और थोड़ा जूम कर लेना है। तो यहाँ से आपको पहले सुन लेना है कि आपकी ऑडियो शुरू कहाँ से हो रही है। तो हमारी ऑडियो यहाँ से शुरू हो रही है, तो आप इतने हिस्से को यहाँ से सिलेक्ट कर लें ऐसे। उसके बाद यहाँ से आप इफ़ेक्ट्स में जाएंगे। इफ़ेक्ट में जाने के बाद नॉइज़ रिमूवल एंड रिपेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से गेट नॉइज़ सैंपल कर देंगे। उसके बाद इसको कमांड ए करके आप पूरी क्लिप को सिलेक्ट करके इफ़ेक्ट्स में जाके सेम वही चीज़ पे, बस अब यहाँ गेट नॉइज़ प्रोफाइल की जगह आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ओके कर देना है। तो ये हमारी ऑडियो बिल्कुल रेडी टू यूज़ हो चुकी है। अब हम इसको फाइल करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट एज MP3 कर देंगे, सेव कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ चुकी है हमारे पास हमारी ऑडियो, इसको हम बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जाके इस वाली ऑडियो को फिर से अपने सिस्टम में लेकर आएंगे। तो ये ऑडियो आ चुकी है हमारे पास, और इस वाले प्रोजेक्ट में लानी थी ये। तो यहाँ पे इस ऑडियो को फिर से लेके आएंगे, ये ले आए हैं इसके अंदर। उसके बाद जाएंगे पीछे जहाँ पे हमारी ये वाली क्लिप है। तो ये रही ये क्लिप और ये रही ऑडियो। तो इस ऑडियो को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इस वाली ऑडियो को यहाँ से म्यूट कर देता हूँ। तो अब ये ऑडियो बिल्कुल रेडी टू यूज़ हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से स्प्लिट कर दूंगा और इसको यहाँ से स्प्लिट कर दूंगा और बाकी सारी अननीडेड चीज़ों को मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये ऑडियो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियो को साफ़ करेंगे। अब मैं आपको ऑडियो सिंक करना बता देता हूँ। तो सिंक मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो इसके अंदर मैं मीडिया इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो इसमें से मान लो मैंने ये वाली पहली वीडियो को इम्पोर्ट किया है। उसके बाद ये हमारी किसी काम की नहीं है, इसको हटा देंगे यहाँ से। तो हम इस वाली की जो 10 मिनट वाली हमने वीडियो इंपोर्ट की, इसकी ऑडियो को लेके आएंगे। तो वो मैंने डाउनलोड्स में रखी हुई है। तो ये रही हमारी 10 मिनट वाली ऑडियो, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको टाइमलाइन पे लेके आएंगे, थोड़ा जूम कर लेंगे, फिर इसको लेके आएंगे। फिर आपको दोनों ऑडियो जो है वो साइमल्टेनियसली चलानी है। तो अभी मैंने ऑडियो प्ले कर दिया। तो यहाँ से हमने देखा कि, जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। तो अब इसका जो ये वाला पिच देख रहे हैं, यहाँ पे लिफ्ट हुआ है और इसका यहाँ पे लिफ्ट हुआ है। तो हमें ये थोड़ा सा गैप यहाँ पे कम करना होगा। तो हम इसको बस यहाँ से उठा के और यहाँ पे ऐसे लगा देंगे और अभी ऑडियो सिंक हो गई है। इसको आप ऐसे म्यूट कर देंगे तो इस तरीके से आपको आवाज़ आ जाएगी। फिर आप GoPro वाली ऑडियो को यहाँ पे म्यूट कर देंगे और आपके एक्सटर्नल माइक की आवाज़ आप यहाँ से सुन सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, कैसे आप नॉइज़ एंड डिस्टॉर्शन को कम करेंगे और कैसे आप ऑडियो को सिंक करेंगे। तो गाइज़ यही थी कुछ आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बहुत ही अच्छे से कवर अप किया कि कैसे आपको अपनी मोटो व्लॉगिंग वीडियोज़ में बिना कोई महंगी एक्सेसरी लिए कैसे अच्छे से अपनी साउंड को एनहेंस करना है, कैसे डिस्टॉर्शन से बचना है। तो यहीं पर वीडियो को खत्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वन।